और फिर उसके बाद मैं गया घर, तो यहाँ पे बच्चों ने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करके रखा था मेरे और दीपी के लिए। मतलब शालू की कमी पूरी कर रहा है तुम लोग। सबक अच्छा, केक वेक उसी ने ऑर्डर किए होंगे, हम लोग जाके लेके आओ, इसलिए बुला रही थी। ये मुझसे बोलती है कि 10 बजे घर आओगे, तो उसी से पहले ऊपर आना, वरना मेरी आदत है ना कि मैं नीचे आता हूँ। बोलती पहले ऊपर आना, फिर 10 बजे नीचे आना है। तो मैं तभी समझ गया था। अस्सलामु अलैकुम, सबको छोटो बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। तुम लोग अस्सलाम वालेकुम सबको। तुम लोग क्या करते हो? हम लोग हेलो भाई, कुछ हेलो आ गए हैं घर। आज बड़ा ही हेक्टिक डे था, बहुत ही टायरिंग डे था, क्या बोलूँ, डे था। अच्छा था बुरा था पता नहीं, बट हो गया। चोटें भी आ गई काफ़ी, और फिलहाल घर पे आने के बाद जो हमें एक अच्छा सा सरप्राइज मिला है रिजा, रेहान और शालू की तरफ से। शालू ना होके भी यहाँ पे चीजें कर रही है पूरी। इतनी बड़ी कैंडल तुम लोग को मिली है। तो चलो भी केक कट करते हैं। इससे छोटी कैंडल नहीं मिली तुम लोग को? वो बड़ी दिख गई। हाँ? बड़ी दिख गई थी वहाँ पे। कुछ बना क्या? 100% एंटर करते ही चिकन बनाया। कुछ आ रही है। आपका फेवरेट ड्रेस लाइए। अभी तो इसका बर्थडे आ रहा है ना। शुक्रिया बच्चों लोग, थैंक यू सबा। वहाँ पे रहते हुए भी यहाँ पे सारी चीजें, छोटे छोटे सरप्राइज हैं वो पूरे कर, हाँ अभी करता हूँ वो कर रही हो, और थैंक यू। और फिर उसके बाद हम सब बैठे, खाना खाया, और ये देखो यहाँ पे चल रहा था बिग बॉस। सब कितने मजे से बिग बॉस देख रहे थे। और 27th of November उस दिन मैं गया था अकरम की शादी में, उस दिन अकरम की शादी थी। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू भाई आने के लिए। अरे मैनर सीख रहा है, थैंक यू, सॉरी भी बोलता रहेगा। Thank you.
लोग।